9 तारीख को जो दिल्ली चुनाव आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है दिल्ली का, उन्होंने सुबह सुबह एक प्रेस इनविटेशन भेजा कि आज शाम को 5 बजे चुनाव आयोग एमसीडी के चुनावों की तारीख का ऐलान करेगा, डेट्स ऐलान करेगा, किस तारीख को नॉमिनेशन होगा, किस तारीख को विड्रॉ किया जा सकता है, चुनाव किस तारीख को होंगे। शाम को 5 बजे चुनावों का ऐलान होना था, तारीखों का ऐलान होना था। 4 बजे, उसके 1 घंटा पहले, केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी कि हम दिल्ली के 3 नगर निगमों को एक साथ एक नगर निगम बनाने जा रहे हैं, इसलिए आप ये चुनाव टाल दीजिए। 5 बजे चुनाव आयोग ने चुनावों केंद्र सरकार के कहे के मुताबिक चुनाव टालने का ऐलान कर दिया। शायद भारत के इतिहास में पिछले 75 साल में आजादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ होगा कि केंद्र सरकार ने सीधे किसी राज्य के चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के चुनाव टालने के लिए कहा है। लोगों के अंदर बातचीत चल रही है कि 2-3 बातें चल रही हैं। 7 साल से 8 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 8 साल, अगर इनको तीनों एमसीडीज को एक साथ करना था, इकट्ठा करना था, 8 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया? चुनाव की तारीखें ऐलान करने के 1 घंटा पहले इनको अचानक याद आई कि अब हमें तीनों एमसीडी को इकट्ठा करना है, इसलिए चुनाव टाल दिए जाएं। तो लोग कह रहे हैं कि एमसीडी को इकट्ठा करना, एक करना तो बहाना है, मकसद चुनाव टालने का था। क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि दिल्ली में अब अगर चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी की जबरदस्त लहर है, बीजेपी उस लहर में बह जाएगी और बीजेपी हार जाएगी, इसलिए चुनाव टालने के मंशा से ये किया गया। मेरी हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से अपील है, प्रधानमंत्री जी, सरकारें आती जाती रहेंगी, कल आप भी नहीं होंगे, कल मैं भी नहीं होऊंगा, हम इम्पोर्टेंट नहीं हैं, लोग इम्पोर्टेंट नहीं हैं, पार्टियां इम्पोर्टेंट नहीं हैं, देश इम्पोर्टेंट है। अगर हम चुनाव आयोग को दबाव डाल के चुनाव कैंसिल कराते हैं, इससे चुनाव आयोग कमज़ोर होता है, और चुनाव आयोग कमज़ोर होता है, चुनाव कैंसिल होते हैं, तो देश कमज़ोर होता है। हम सबको मिलकर देश की रक्षा करनी है, किसी भी हालत में हमें इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर नहीं होने देना। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, चुनाव कैंसिल मत कराइए। अगर चुनाव कैंसिल होते हैं, ये जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज ये कहा जा रहा है कि हम तीनों एमसीडी एक करना चाहते हैं, इसीलिए चुनाव टाल दीजिए। कल को मान लो लोकसभा का चुनाव है, उसके पहले अगर कहा जाएगा कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छा नहीं है, हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहते हैं, संविधान में बदलाव करना चाहते हैं, इसलिए चुनाव टाल दीजिए, तो क्या चुनाव टाले जाएंगे? मान लो कल को कोई स्टेट असेंबली का चुनाव है, ये कहा जाएगा कि हम 2 राज्यों को इकट्ठा करना चाहते हैं, इसीलिए चुनाव टाल दीजिए, तो क्या चुनाव टाल दिए जाएंगे? क्या जनतंत्र के अंदर चुनाव ऐसे टाले जा सकते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूँगा, कल केजरीवाल भी नहीं रहेगा, कल मोदी जी भी नहीं रहेंगे, ये देश रहेगा। इस देश को अपने को कमज़ोर नहीं करना। मुझे नहीं पता कि राज्य के हमारे जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं उन पर ऐसा क्या प्रेशर डाला गया, उनको क्या धमकी दी गई, इनकम टैक्स की, ईडी की, सीबीआई की कोई धमकी दी गई, या वो अभी अप्रैल में रिटायर हो रहे हैं तो उनको पोस्ट रिटायरमेंट कोई लालच दिया गया, मुझे नहीं पता क्या दिया गया, लेकिन वो तुरंत 1 घंटे के अंदर चुनाव टालने में टालने को तैयार हो गए। ऐसे संस्थाएं कैसे चलेंगी? और मैं हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से भी कहना चाहूंगा कि सर, अगर आप ऐसे चुनाव टाल देंगे, ये तो जनतंत्र ही नहीं बचेगा। हम लोगों ने आज़ादी किस लिए पाई थी, इस देश ने आज़ादी किस लिए पाई थी? जनता का राज है, जनतंत्र है इस देश के अंदर। आप ऐसे चुनाव टाल देंगे तो जनतंत्र ही नहीं बचेगा। मुझे नहीं पता आपके ऊपर क्या प्रेशर डाला जा रहा है, मुझे नहीं पता आपको क्या धमकी दी जा रही है या क्या लालच दिया जा रहा है, लेकिन सर, जो भी आपको धमकी दी जा रही है, जो भी आपको लालच दिया जा रहा है, बाहर आके बता दीजिए देश को
सारी जनता को बता दीजिए, देश आपके साथ खड़ा होगा, पूरा देश आपका साथ देगा, पर झुकिए मत सर, किसी के सामने मत झुकिए, देश की बात है, जनतंत्र की बात है। नमस्कार। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।